Hi guys, hi. Am I visible to everyone? Hi Suman, Ramesh, Raj, hi. कैसे बच्चे? So let us start our session. Crash course with geometry. So guys, hi. How are you all? तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें मैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में ले आया हूँ. बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड तो नहीं है, बट ठीक है. मेंटेन करा हुआ है मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स. आज का ये लेक्चर अटेंड करके, जो 1 आवर का सेशन है हमारा आज का ये 1 आवर का सेशन अटेंड करके बच्चों, एटलीस्ट आप ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको आप समझ जाएंगे. मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसको चैप्टर समझ में आता है लेकिन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कितने करने हैं, कैसे करने हैं, उसमें उसको डाउट है, तो मैंने ये लेक्चर अटेंड करके वो बेटा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लेगा वो. ठीक है, फाइन फाइन. सो टुडेज टॉपिक इज क्रैश कोर्स विद ज्योमेट्री. ओके, मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक बार बच्चों को इन्फॉर्म कर दूँ. क्लास है स्टार्टेड. Okay, fine. Okay. ठीक. स्टार्ट दिस सेशन नाउ. बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते. हाय रमेश. अच्छा अर्पिता, अर्पिता, अच्छा योर नेम इज अर्पिता. सॉरी बेटा, यहाँ पे रमेश विजुअलाइज हो रहा है. ठीक है, फाइन. तो क्लास स्टार्ट करें. आप लोगों ने वैसे पढ़ी लिया हुआ ये चैप्टर्स, तीनों बोर्ड एग्जाम्स पास में हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. यू माइट हैव कवर्ड इट, राइट? आई एम फाइन अर्पिता, थैंक यू बेटा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन. गाइज, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, दैट हु एम आई. माई नेम इज मनीष मिश्रा. लर्नर्स, माई नेम इज मनीष मिश्रा. आई एम मैथ्स एजुकेटर एट अन अकेडमी प्लस. एकेडमिक मेंटर रहा हूँ बच्चों में अन अकेडमी आइकॉनिक पर. ऑफलाइन में बच्चों में JEE नीट का फिजिक्स करवाता हूँ. स्कूल में एज वेल एज मेरी खुद की कोचिंग भी है उसके अंदर. BEME इलेक्ट्रिकल, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन है. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2011, 2012, 2013. कंटिन्यूसली 3 साल तक बच्चों में स्टेट के टॉप 5 में रैंक रहा है मेरा. मेरा मास्टर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से कम्प्लीट किया है मैंने. 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों मुझे, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाई है. स्कूल के बच्चों को मैंने NTSC ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करवाया हुआ, और काफ़ी बच्चे पास भी हुए हैं. मेनी ऑफ देम आर डूइंग मास्टर्स. 6 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड बेटा इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, और कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने कुछ पेपर्स प्रेजेंट किए हुए. हाय मनी, हाय, हाउ आर यू बेटा? मनी, कैन यू प्लीज लेट मी नो योर नेम. अपना नाम बताएंगे बेटा मुझे? फाइन. गाइज, मेरा रेफरल कोड तो मेरे पीठ के पीछे छुपा पड़ा है. मैं लिख देता हूँ. माई रेफरल कोड इज MMLIFE. माई रेफरल कोड इज MMLIFE. तो बच्चों, आप अनअकैडमी के कुछ भी चरण. अच्छा, हाय चरण, हाउ आर यू बेटा?
इस कोड का इस्तेमाल करके मेरे बच्चों आप अनअकैडमी के फ्री फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, अनअकैडमी ने बहुत ही बढ़िया एक चीज़ लॉन्च करी हुई है, एप्लीकेशन फीचर है हमारी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, जो कि एक पर्सनल ट्यूटर का काम करता है। मतलब पर्सनल ट्यूटर मतलब पर्सनली आपके लिए आपके पूछे गए सवालों का आपको जवाब दे देगा, उसको पर्सनल ट्यूटर कहेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेगा, राइट। वो आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो 24/7 एनी टाइम, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट मैचेस, इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन एंड ये असिस्टेंस विद योर होम। अच्छा, यस चरण, यस यस यस, याद आया मुझे, हाँ हाँ हाँ, हाय सुमन, सुमन बच्चा हाय, फाइन। अब आस्क ए डॉट फीचर यूज़ कैसे करना है, काफ़ी बच्चों को पता ही होगा ये कि आस्क ए डॉट फीचर के अंदर करना क्या होगा। लर्नर्स ऐप में आस्क ए डॉट पे क्लिक करें, फोटो खींच के क्वेश्चंस को अपलोड करें, उसमें से जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसको क्रॉप कर लो आप बच्चा। क्रॉप करने के बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो कि विच इज़ योर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और साइंस होगा, फिजिक्स होगा, उसको सेलेक्ट करो और विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट योर वीडियो सोल्यूशन, राइट। सो गाइज, डोंट वेट मोर, यूज द एजुकेटर कोड MMLIFE एंड टेक एडवांटेज ऑफ फ्री फीचर्स ऑफ अनअकैडमी। ओके, फाइन। अनअकैडमी पे काफ़ी अनलिमिटेड डाउट्स आप फ्री में पूछ सकते हैं और काफ़ी फ्री फीचर्स भी हैं, जिसके बारे में बीच में मैं आपको बताता रहूँगा मेरे बच्चों, फाइन। तो चलो, लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो पहला चैप्टर मैंने ट्राइंगल बताया था, दूसरा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री है और तीसरा सर्कल है। तो गाइस, हम नंबर वाइज हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो उस चैप्टर के ऑलमोस्ट बोलते हैं सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स अनलॉक कर देता है, वो हम वैसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। नहीं मानी बेटा चरण, मेंटी नहीं है बेटा आज, क्रैश कोर्स रखा है ना, तो मेंटी कैसे होगा इसके अंदर, है ना, नहीं हो सकता, राइट, फाइन। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये फिगर दिया है, ये मैंने NCERT से उठाया है ना, ये मैंने NCERT से लिया हुआ है। दैट इन फिगर LM इज पैरेलल टू CB, LM कहां पर है, LM यहां पे, LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD, दिस LN इज पैरेलल टू CD, वी हैव टू प्रूव दैट AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD, AM बाय AB, AN बाय AD, समझ रहे हैं आप। तो ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, यहां पे आपको BPT थ्योरम यूज करना है। क्या यूज करना है, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम है ना, मैं कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर सकता हूं इसके अंदर। यहां पे मुझे दिया है कि LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। अच्छा, ये पैरेलल है, तो अगर मैं ट्रायंगल AA, लेट मी यूज द हाइलाइटर, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, अगर मैं ट्रायंगल ABC, हाँ, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूँ ADC, तो मुझे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल के लिए कुछ तो डेटा मुझे दिए हुए मेरे बच्चों, हाँ, 6:30 PM, यस 6:30 PM पे है मेंटी, यस 6:30 PM में है मेंटी, हाँ हाँ सात्विक, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, क्या हो गया सात्विक, वेरी गुड, हाँ सात्विक बोलो, यस चरण यू आर राइट, सात्विक कुछ बोलोगे या मैं आगे चलूँ। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC मुझे मालूम नहीं है बेटा, न्यूज देखा नहीं मैंने सात्विक, नहीं अर्पिता बेटा अभी नहीं है, अभी मेंटी नहीं है, अभी मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ ज्योमेट्री का, लास्ट टाइम मैंने अलजेब्रा का करवाया था, आज मैं ज्योमेट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से ले लिए मैंने, आई डोंट नो, अर्पिता शाम को 6:30 बजे मेंटी है बेटा। तो ट्राइंगल ABC की मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो वी नो दैट LM इज पैरेलल टू BC और CB, इट इज गिवन, राइट। सो बाय BPT थ्योरम व्हाट वी हैव इज AM बाय AB
एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। क्लियर है मेरे बच्चों? आई डोंट नो सात्विक, आई डोंट नो बेटा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चर। ओके, ये हो गया नंबर वन। अभी आपने ये वाला ट्राइंगल तो ले लिया, अब दूसरा ट्राइंगल ये है एडीसी वाला, है ना? तो आप वो वाला ट्राइंगल ले लो। तो इन ट्राइंगल एडीसी, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एडीसी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो एल एन पैरेलल टू सी डी का मतलब क्या हुआ कि ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। इसको मैं नंबर टू बोल देता हूँ। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखो एम ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, लेकिन यही ए एल बाई ए सी जो है वो ए एन बाई ए डी को भी इक्वल है। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आई कैन से दैट ए एन बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, है ना? यहाँ पे बीबीटी थ्योरम का इस्तेमाल किया है मैंने और वही हमको प्रूव करना था, राइट? हाँ ठीक है सात्विक, ठीक है, पढ़ना तो है ही ना बेटा, पढ़ना तो है ही, फाइन। अब ये एक फिगर, दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, ये फिगर दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ भी हम बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ भी बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और ये भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन था ना, ये भी 2 मार्क। बीपीटी थ्योरम वाले जो क्वेश्चन है ना वो 2 मार्क या 3 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो सिमिलैरिटी वाला एग्जांपल है मेरे बच्चों, सिमिलैरिटी वाला जिसमें 3-4 क्वेश्चन साथ में पूछे जाते हैं, पता होगा मैंने इसमें पीपीटी में मैंने लिए हुए, तो वो वाला जो एग्जांपल से मेरे बच्चों वो 4 मार्क या 5 मार्क में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन 5 मार्क में पूछे जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। चलो बढ़िया, हाँ तो हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, डी ई, यहाँ पे बोला है कि ये डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए। यहाँ पे प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई, अच्छा बी एफ कहाँ है, बी एफ यहाँ पे है, सो प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको करना क्या होगा इसमें, इसमें ये जो पैरेलल व्यू है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर ट्राइंगल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल सिलेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, राइट? तो ट्राइंगल सिलेक्शन के अंदर बच्चों क्या करना है आपको कि जो दो लाइन्स पैरेलल बोली है, दो साइड्स पैरेलल बोली है वो उन ट्राइंगल में आने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो उन ट्राइंगल में आने चाहिए, राइट? तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें मेरे बच्चों, तो मुझे बताएंगे आप डी एफ और ए कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? मैं सबसे पहले इसको पकड़ता हूँ, डी एफ किस में, डी एफ कहाँ है, डी एफ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी ई, एम आई राइट, है ना, ट्राइंगल ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई में बीबीटी थ्योरम लगाऊं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए, इट इज गिवन, राइट? तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरम आई कैन से दैट बी डी बाई ए डी, बी डी बाई डी ए या ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। बी डी यहाँ पे था ना, बी डी ऊपर लिया आपने, बी से चालू होता हुआ, तो बी एफ ही आएगा ऊपर, उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बी एफ अपॉन एफ ई। इसको मैं नंबर वन बोल देता हूँ। दूसरा पैरेलल क्या दिया हमको, डी ए सी, तो डी कहाँ है मेरे बच्चों, डी ई, डी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे, तो ये कौन से ट्राइंगल में आता है यार, ये कौन से ट्राइंगल में आता है, तो ये आता है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लूंगा, देन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। अब अगर डी ई और ए सी पैरेलल हो गए, अगर डी ई और ए सी पैरेलल हो गए फिर क्या होगा, यहाँ भी बीपीटी थ्योरम लगा दूंगा मैं फिर फटाफट, राइट? वन मिनट बेटा,
एक मिनट सिर्फ, हाँ बस एक मिनट देना। Really very unique condition, board cancel हो गए, it has never happened till now, but ठीक है, as per the circumstances, जो सही होगा वही होगा, है ना, and we all will have to follow that, चलो, ठीक, ठीक, so in triangle ABC, DE is parallel to AC, DE यहाँ पे, AC यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं AD upon DB लूँगा, है ना, क्योंकि मुझे उसके साथ ही compare करना है। अच्छा मैंने यहाँ पे BD ऊपर लिया था, तो मैं BD ऊपर ले लूँ क्या मेरे बच्चों, BD ऊपर ले लूँ, तो मैं BD ऊपर ले लेता हूँ। चलो तो मैं अगर BD ऊपर ले रहा हूँ, BD अपॉन AD, तो BD के साथ कौन सा रिलेट किया हुआ था, BE रिलेट किया हुआ था, B कॉमन था ना दोनों में, तो मैं उसको ऊपर लूँगा, सो BE अपॉन AC कर दूंगा मैं, ये मेरा नंबर टू हो गया। तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पे BD अपॉन DA और यहाँ पे BD अपॉन DA मतलब AD है, तो BF अपॉन FE भी सेम होगा BE अपॉन AC के साथ, राइट, I can write that also. So from 1 and 2, from 1 and 2 what we have is BF upon FE is equal to BE upon EC. ठीक है मेरे बच्चों, BE upon EC. यही चीज हमको प्रूव करनी थी। हाँ बेटा टोटल, या I came to know this. But कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कहा हुआ है, भगवत गीता में क्या बोला है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो, पढ़ते जाओ, टेंथ पढ़ लो, एग्जाम कभी ना कभी तो देनी है, राइट, सो वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम अवर प्रिपरेशंस, बल्कि शायद हमको ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर, राइट, क्या बोलते हो, सही है ना। चलो गाइस, अच्छा 1 जून तक, चलो बढ़िया। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. बच्चों बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ओके बेटा, ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरा ध्यान देना, दैट CM and RN are respectively medians, मतलब बेटा ये मीडियन हो गया। अच्छा CM अगर मीडियन है तो बेटा M का क्या स्टेटस है AB के ऊपर, अगर CM मीडियन है तो what is the role of M on AB, M is the midpoint of AB, मैं कह सकता हूँ, because CM is median, right? वैसे ही अगर RN is the median, then the role of N on PQ is what? N is the midpoint of PQ. तो मैं कह सकता हूँ that AM is equal to BM and QN is equal to PN. Clear है मेरे बच्चों? Done? Yes बच्चा, yes, है ना? तो चलो ठीक है, इतना हमने देख लिया, हम इस लाइन से हमको इतनी चीजें समझ में आ गई। लेट अस मूव फर्दर। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तो एबीसी पीक्यूआर सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं, रेशियोज इक्वल होंगे, राइट, डन, सही है, तो वो चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, लेट मी राइट दैट ओवर हियर, दैट हियर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज गिवन, सो दिस गिव्स मी, व्हाट गिव्स मी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। चलो एंगल्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे, तो फॉर दिस आई कैन राइट ए बी बाई PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR because triangles are similar, है ना? तो बेटा ये जो given data है ना, इस data को हम हमारे जो तीन चीजें prove करनी है, इसके अंदर we will be using it,
राइट। और ये मेरे बच्चों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, प्लीज रिमेम्बर, ओके दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो हमको इस पे ध्यान देना है। चलो ग्रेट, चलो ग्रेट, कलर बदल ले फटाफट। चलो ये चीज हमें पता चल गई। अब पहला क्या, एएमसी और पीएनआर, एएमसी, अच्छा एएमसी यहाँ पे है, पीएनआर यहाँ पे है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले नंबर वन करके, दैट इन ट्रायंगल एएमसी, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल, अरे यार ट्रायंगल पीएनआर, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल पीएनआर में बच्चों एसी अपॉन पीआर सेम है ना, एसी अपॉन पीआर एंड एबी अपॉन पीक्यू, अच्छा एबी अपॉन पीक्यू एंड एसी अपॉन पीआर, ये दो का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है दैट एसी अपॉन पीआर इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू, यहां पे हमको गिवन था, उस बेसिस पे हमको ये चीज मालूम है। अब बेटा अगर एबी अपॉन पीक्यू है तो एबी अपॉन पीक्यू को मैं हाफ ऑफ एबी अपॉन हाफ ऑफ पीक्यू बोल सकता हूं क्या मेरे बच्चों, बोल सकता हूं मैं, है ना। अब हाफ ऑफ एबी क्या है गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऐसा बोला है सीएम मीडियन है, इसका मतलब एम जो है एबी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब एएम एमबी बोथ आर इक्वल मींस इक्वल, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एएम लिखूंगा और यहां पे मैं पीएन लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट एसी बाय पीआर, एसी बाय पीआर मेरे बच्चों इक्वल टू एएम बाय आरएन, सॉरी एएम बाय पीएन, राइट। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ग्रेट। अब क्योंकि यहाँ पे एक और चीज मिलेगी आपको, एंगल ए और एंगल पी भी सेम है, एंगल ए और एंगल पी भी सेम है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो बेटा मुझे बताएंगे आगे का स्टेटस क्या रहेगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट। अब हाँ निमिता, पता चला मुझे, पता चला, पर क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, कैंसिल हुई है, पोस्टपोन हुई है, आप गलत समझ रहे हो, पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं है, प्लीज डोंट यूज द वर्ड कैंसिल, है ना, पोस्टपोन हुई है तो मतलब एग्जाम तो होने ही वाली है, राइट। सो दिस इज एस ए एस, तो गाइस बाय एसएएस थ्योरम आई कैन से दैट ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल पीएनआर आर सिमिलर, आई कैन से दैट, राइट। तो वो चीज मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, बाय एसएएस ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर, डन। ये आपका फर्स्ट था, वो आपने प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन, लेट अस मूव ऑन द सेकंड वन। सेकंड वन क्या बता रहा है, तो हमको सीएम बाई आरएन और एबी बाई पीक्यू, बच्चों देखो हमेशा एक चीज याद रखो, हाय अनिता वेलकम बेटा, गाइस एक चीज आप याद रखो, ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं जिसमें तीन चार चीजें लाइन वाइज पूछी होती है ना, ऑलवेज रिमेंबर उसमें पहले वाले के ऊपर दूसरा वाला डिपेंड करता है और तीसरा वाला भी पहले और दूसरे पर डिपेंड करता है, मतलब अगर आपका पहला वाला आ गया तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एएमसी और पीएनआर सिमिलर है, मैंने प्रूव कर दिया, अगर AMC और PNR सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, है ना। तो CM, CM देखो CM यहाँ पे है, RN यहाँ पे है, है ना, वैसे ही A, AB by PQ भी सेम हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, हियर ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, वी नो, है ना, ऊपर हमने अभी प्रूव किया हुआ है। हाय अनिता, अनिता हाय, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, तो आई कैन से दैट सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एम अपॉन पी एन, है ना, ए एम अपॉन पी एन, अच्छा ए एम अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड से, इसलिए अच्छा ए एम अपॉन पी एन, ए एम देखो ए एम यहाँ पे है, ए एम इज बेसिकली हाफ ऑफ ए बी, मैं कह सकता हूँ, है ना, हाफ ऑफ ए बी। तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ एम कर दूं और ट्वाइस ऑफ पीएन कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ एम क्या हो गया, ए बी हो गया, ट्वाइस ऑफ पीएन क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो एक्चुअली मेरे बच्चों सी एम बाई आर एन जो है वो हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू, एम आई राइट, एम आई राइट। तो ये आपने सेकेंड वन भी प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस मूव फटाफट टू द थर्ड। अभी तुरंत तो आई डोंट नो अनिता, चरण अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट हाँ मैं बीच में कर दूंगा, बीच में मैं आई विल समहाउ मैनेज, ओके समहाउ इन बिटवीन आई विल मैनेज।
स्टे कनेक्टेड बेटा, स्टे कनेक्टेड। हाय अंकित, अंकित हाय। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन, ट्रायंगल सीएमबी, ट्रायंगल आरएनक्यू, सीएमबी और आरएनक्यू। तो बेटा थर्ड वन जो है सीएमबी आरएनक्यू, वो सेम पहले वाले की तरह ही है, वो सेम पहले वाले की तरह ही है ना, आप वो भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा इस एग्जांपल में देखो क्या दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। क्यू आर कहाँ पे है मेरे बच्चों, क्यू आर, क्यू आर, अच्छा क्यू आर पूरा है, क्यू आर बाई क्यू एस, अच्छा क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, अच्छा क्यू टी बाई पी आर। देखो क्यू टी ऊपर है, पी आर नीचे है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इक्वालिटी साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस, करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे इसमें। तो एनी आइडिया, एनी आइडिया, हाँ अंकित, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है मेरे ख्याल से, एम आई राइट? पोस्टपोन किया होगा कि एग्जाम्स बाद में लेंगे, ऐसा बोला होगा, ये थोड़ी बोला होगा कि एग्जाम लेंगे ही नहीं, ऐसा बोला है क्या? ऐसा नहीं बोला है ना, तो एग्जाम्स तो होने वाली है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना? हाँ, चल बेटा ट्राइंगल। चलो तो यहाँ पे मैं ये चीज कैसे प्रूव करूंगा, हाउ वुड आई डू दिस, हाउ वुड आई डू दिस? तो उसके लिए मैं गिवन डेटा का इस्तेमाल करूंगा। पी क्यू एस, देखो पी कहाँ पे, पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, टी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे और आर यहाँ, टी क्यू आर, अच्छा छोटा ट्रायंगल जो अंदर है और बड़ा ट्रायंगल जो बाहर है, ये दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है ना, ये दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ये संकेत। तो पढ़ाई तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी चाहिए क्या? आई विल हैव टू सी अंकित, मैं कंफर्म नहीं हूं। चरण, चरण एंड अंकित, डू हैव एनी आइडिया कि ये एग्जाम्पल हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल में कैसे आगे बढ़ेंगे? एनालिसिस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू। देखो देखो जरा यहां पे, देखो यहां पे क्या बोला है मेरे बच्चों, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, यही बोला है ना, राइट? और साथ में क्या बोला है बेटा, साथ में क्या बोला है, दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये बोल दिया है, एंगल वन और एंगल टू सेम है। अब एंगल वन एंगल टू कौन से ट्राइंगल में है मेरे बच्चों, पी क्यू आर में है, ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट? तो मैं कह सकता हूं दैट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, देन वी कैन से दैट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल वन के सामने कौन सा साइड है, पी आर है। तो मैं कह सकता हूं पी आर इज इक्वल टू एंगल टू के सामने पी क्यू है, पी आर और पी क्यू सेम हो गए मेरे बच्चों, हो गए या नहीं हो गए, राइट? बाय अनिता, हो गए सेम। सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट दिस थिंग ओवर हियर, इसको मैं लिख सकता हूं दैट क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर की जगह पे आई विल राइट पी क्यू। रीजन पता है आपको, रीजन पता है, मैंने रीजन ऊपर ही मेंशन करा हुआ है मेरे बच्चों, राइट? हाय भूमि, आदेश, हाय आदेश, वी आर डूइंग अ क्रैश कोर्स ऑफ जियोमेट्री, क्रैश कोर्स ऑफ जियोमेट्री, तीन चैप्टर कवर किए मैंने, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स। ठीक है, तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। अब क्यू टी बाई पी क्यू हो गया, अब क्यू टी बाई पी क्यू हो गया, अब देखो क्यू आर वापस है, वापस है, लेट अस ट्रेस दिस, लेट अस ट्रेस दिस, क्यू आर, क्यू आर मतलब बड़ा वाला, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी, अच्छा अच्छा सेम हो गए, है ना, सेम हो गए। और ये वाला एंगल, तो देखो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल में बच्चों आपको एक चीज तो दी है दैट क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू Q
QP by PQ और साथ में एंगल Q is equal to एंगल Q बोल सकते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे हम, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल लिख दिया मैंने। तो बेटा बाय एसएएस क्राइटेरिया, बाय एसएएस क्राइटेरिया आई कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एम आई राइट? राइट, हाँ अंकित, होगा होगा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, चलो बच्चा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई होप लास्ट एग्जांपल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट? लास्ट एग्जांपल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगेन मीडियन वाला एग्जांपल देखो बेटा, ये जो मीडियन वाला एग्जांपल है ना, मीडियन की जगह पे शायद अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, मीडियन की जगह पे अल्टीट्यूड भी आ सकता है, या शायद एंगल बाइसेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी आ सकता है। तो ऐसे एग्जांपल थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, है ना, लेकिन सब में लॉजिक एक ही इस्तेमाल करनी है, लॉजिक एक ही इस्तेमाल करनी है। किसी तरह से कॉमन साइड्स के रेशियोज इक्वल ले लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाने चाहिए और कॉमन एंगल एक मिल जाना चाहिए। तो भाई ऐसे इस क्राइटेरिया यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ओके डन, चलो अभी मैं इसमें अभी ये देखो, ये भी 3 मार्क या 5 मार्क वाला एग्जाम्पल है, 3 मार्क या 5 मार्क वाला एग्जाम्पल है। If area and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, and triangle ABC is similar to triangle PQR, then AB by PQ equal to AD by PM. देखो, last वाले example की तरह ही है, logic वही use किया है, logic वही use किया है बच्चों, है ना? AD और PM को हमको equal prove करना पड़ेगा, ratio side of angles लेना है इसका, है ना? तो मैं फटाफट यहाँ पे draw कर दूँ, draw करके आपको थोड़ा rough idea दे दूँ मैं, तो you will have more कॉन्फिडेंस ऑन सॉल्विंग सच एग्जाम्पल्स। ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, ए डी आ गया, पी एम आ गया, है ना? तो मीडियन है तो ठीक है, दिस टू आर मीडियंस। मीडियन का मतलब क्या होगा कि मिड पॉइंट हो गया, मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड क्यू एम इज इक्वल टू आर एम, राइट? ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। अब ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर है, ट्रायंगल पीक्यूआर को एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, या मुझे क्या हो रहा है आज, एंगल आर, राइट? ये दोनों ये हो गए और साथ में करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में है, बराबर सेम रेशियोज में है। वी हैव डन दिस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू। अब बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, जो साइड्स के रेशियोज इक्वल लेने हैं हमको, जो साइड्स के रेशियोज इक्वल लेने हैं वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, जरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पे है, फाइन। ए डी वाई पी एम, अच्छा ए डी यहाँ पर है गाइस और PM यहाँ पे है, तो मुझे बताएंगे ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल लग रहा है आपको मुझे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, बता सकते हो कौन से दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा मेरे बच्चों? क्लियरली मालूम पड़ ही रहा होगा आपको कि यहाँ पे मैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूंगा, तभी जाके उसके करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में मुझे मिलेंगे, राइट? एम आई राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ, दैट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD और PQM के अंदर देखो क्या हो रहा है, हमें पता है दैट AB by PQ is equal to BC, AB by PQ is equal to BC by QR, अच्छा BC by QR है, तो BC by QR को मैं half of BC अपन half of QR बोल सकता हूँ बेटा। अब हाफ ऑफ बी सी में मैं बी डी बोलूंगा और हाफ ऑफ क्यू आर में क्यू एम बोलूंगा। प्लीज 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 रिपीट विथ मी अगेन, रिपीट करो मेरे साथ। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बी सी कहाँ पे है, बी सी यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पे है, तो मैंने तो ये ट्राइंगल लिया है ना, मैंने तो ये ट्राइंगल लिए हैं, तो इस ट्राइंगल के अंदर ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर, तो BC by QR की जगह पे मैं half of BC और half of QR ले सकता हूँ। half of BC में क्या होगा BD, half of QR में क्या होगा QM,
So ultimately we have AB by PQ is equal to BD by QM. Done. है ना, BD by QM. तो AB by PQ upon BD by QM. अच्छा, BD by QM हमने कर दिया. Fine. और साथ में आप देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है. एंगल B equal to एंगल Q सेम है क्योंकि आपको गिवन था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ also एंगल P is equal to एंगल Q. So by SAS criteria triangle ABD is similar to triangle PQM. ABC और PQM similar है मेरे बच्चों, right? ABC और PQM similar है. ABD PQM similar. अब ABD PQM similar है तो मैं कह सकता हूँ corresponding sides are in same ratio. तो यहाँ पे देखो AD और PM क्या है ना? AB by PQ corresponding sides को मैं same ratio में बोल रहा हूँ. BD by QM एंड AD by PM. मुझे क्या चाहिए? AB by PQ, AD by PM, AB by PQ, AD by PM. वो तो मैंने प्रूव कर ही दिया है ना. Hence it is proved. Done. अब देखो यहाँ भी वही काम करना है. मैं बहुत ज़्यादा time waste नहीं करूँगा इसके पीछे. CD and GH are respectively the bisectors. देखो मैंने आपको क्या बताया था, एंगल bisector भी आ सकता है. तो एंगल bisector आ गया है ना. So always remember, मेरा question जो होगा बहुत logical होगा. तो अगर आप मेरे questions को समझ गए हो, मैं जिस question को जैसे समझा रहा हूँ अगर आप वो समझ गए हो, तो बेटा कोई भी question आ जाएगा आप डगमगाएंगे नहीं. ठीक है, आप डगमगाएंगे नहीं. तो please repeat with me again, basics are important. ठीक है, keep repeating this in your mind again and again. चलो fine. तो CD and GH are respectively bisectors of ACB and EGH such that DH lie on sides ABFE of triangle ABC and triangle EFG. ठीक है, बहुत बोला है इसके अंदर. तो यार देखो, देख लेते हैं. ABC है ऐसे, EFG है ऐसे. तो ये A B C, ये E F G, A B C E F G हो गया है ना. अब इसमें क्या बोला है, C D and G H. अच्छा, C D and G H are bisector of A C B and E G H such that D and H lie on A B. अच्छा, यहाँ पे C D है, ये धड़ाम C D है यहाँ पे. फिर यहाँ से A धड़ाम G H है यहाँ पे. ठीक है, C D and G H हो गए यहाँ पे, right? C D G H फाइन. ए बी एफ ई और ये एंगल बाई सेक्टर है बेटा. एंगल बाई सेक्टर इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल. वैसे ही दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल. ठीक है, दिस टू आर एंगल्स आर इक्वल. तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी सी ई एफ ई जी सिमिलर है, ये दिया हुआ है ए बी सी एफ ई जी है ना, ये सिमिलर है. ठीक है, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी. सी डी किधर भैया, सी डी यहाँ पे, जी एच यहाँ पे. CD by GH equal to AC by FG, FG है ना, AC by FG. अच्छा ये FEG, FEG बोला है. ये F आएगा बच्चा, ये F आएगा. यहाँ पे गलती की हुई है क्वेश्चन देने में लोगों ने, FEG. ठीक है, AC और FG. तो AC यहाँ पे है, FG यहाँ पे. कैसे करेंगे, तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी इनको मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा है ना. वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको फिगर समझा दिया, राइट? तो एक तो देखो यहाँ पे दिया है, ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो ए सी और एफ जी सेम वो है. ए सी और एफ जी क्या हो गए, सेम रेशियो में होंगे. तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो बाय एसएएस और एएसए थ्योरम दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर है. तो आप ये प्रूव कर दो, राइट? हाय नितिन, बड़ी हंसी आ रही है बेटा, क्या हो गया? फाइन, आगे बढ़ते हैं. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेज़ियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू सीडी. अच्छा, एबी ऊपर है,
सीडी यहाँ पे है, ट्रेपीजियम हो गया ऐसे, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल इंटरसेक्ट इसे दे एट पॉइंट ओ, तो ये इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट पे, राइट। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी, ए बी जो है वो सी डी का डबल है, ठीक है, ए बी जो है वो सी डी का डबल है, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी। अब आप समझ रहे होंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है बेटा, कॉन्सेप्ट ये यूज करना है कि मुझे सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। फॉर्मूला याद होगा थियरम आपको ट्राइंगल का, राइट। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया जो होते हैं उनका रेशियो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, है ना। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा पता है, मेरे को स्टेप वन मुझे ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रूव करना है स्टेप टू। स्टेप वन में प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है, स्टेप टू में क्या करूंगा, एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ का स्क्वायर कर देना है, राइट, ए ओ बाई सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब ए ओ बाई सी ओ का स्क्वायर हो गया या ए बी बाई सी डी का स्क्वायर हो गया, ए बी बाई सी डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बाई सी डी का रेशियो तो मिल ही जा रहा है आपको डायरेक्टली, ए बी बाई सी डी का रेशियो तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया है 2/1, बराबर। मतलब मैं अब मुझे ए बी बाई सी डी पता है, लेकिन मैं रेशियो उसका स्क्वायर कब ले सकता हूँ, मैं रेशियो का स्क्वायर कब ले सकता हूँ पता है, जब मैं इसको इक्वल प्रूव कर दूँ, सिमिलर प्रूव कर दूँ तभी ले सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं ले सकता। तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ये दोनों ट्राइंगल को बच्चों मुझे सिमिलर प्रूव कर देना है, क्या करना है मेरे को, सिमिलर प्रूव कर देना है, ठीक है। यस चरण हाय, सिमिलर प्रूव कर देना। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल्स, अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल दोनों इक्वल क्यों है, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। तो देखो भाई ए ए ए थ्योरम, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर आपने प्रूव कर लिया, बराबर। तो बाय ए ए कोरोलरी बोल दो या ए ए थ्योरम बोल दो, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, राइट, ए ओ बी सिमिलर टू सी ओ डी। अब ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर हो गया, मतलब आपका स्टेप वन इज डन, आपका स्टेप वन इज डन। अब स्टेप टू में सीधा रेशियो, रेशियो क्या है एरिया का, ए बी बाई बी डी का स्क्वायर, ए बी बाई बी डी का स्क्वायर, तो 4/1 आ गया। तो दिस इज योर आंसर गाइस, राइट, दिस इज योर आंसर, फाइन। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है सिमिलरिटी के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम क्यों गणेश, क्या हो गया, यस चरण वेरी गुड, चरण एक्सेलेंट, कनिष्का नाम है ना बेटा, पढ़ाने का क्या फायदा, पढ़ने का क्या फायदा, ये तो सवाल ही नहीं उठता बेटा, है ना, इसका तो मतलब ही नहीं बैठता। हाँ वेरी गुड यार चरण, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, हाँ बेटा चरण, कनिष्क
यार मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। और जो जगत गुरु थे उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, कि अर्जुन कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, तो बेटा पढ़ते जाओ। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स विल बी यूटिलाइज्ड इन 11th क्लास आल्सो, दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूटिलाइज्ड इन 12th क्लास आल्सो, दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूटिलाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड एग्जाम्स। यही रेलवे बोर्ड का भी है, अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, इंजीनियरिंग के मैथ्स में भी यही आने वाला है, समझे। तो एग्जाम टली है या एग्जाम रद्द हुई है, जो भी है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। हाय कीर्तन, डजंट मैटर ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ यस यस चरण, दीज आर कोरोलरीज, ए बी सी डी, ए बी डी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल डेट एंगल ए। अच्छा ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट ए, ओके ये राइट एंगल है। ए सी इज परपेंडिकुलर, ये तो हमने देखा ही था, अल्टीट्यूड सॉरी, हाँ ये ए से बी डी के ऊपर अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। शो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अच्छा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, समझ रहे हैं, बी सी इंटू बी डी। हाँ कीर्तिन ठीक है, चलो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चरण, कीर्ति, कनिष्का, हाउ कैन वी फॉरवर्ड, इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे हम। मुझे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे है बी डी बड़ा वाला है, मैं कैसे बढ़ूंगा आगे इसके अंदर, कैसे बढ़ूंगा बताओ। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक चीज तो पढ़ा, एक चीज तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मालूम है कि ए बी सी, ए सी बी ट्राइंगल ए सॉरी ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी, और साथ ही में ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, एम आई राइट, एम आई राइट, है ना। हाँ यस यस बेटा यस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी बी सी और बी डी की बात कर रहा है, ए बी बी सी और बी डी की बात कर रहा है, इसका मतलब कि मैं दो ट्राइंगल लूंगा, ए सी बी और ए बी डी, ए सी बी एंड ए बी डी, मतलब ये वाले ट्राइंगल को लेता हूं मैं। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मेरे बच्चों, सिमिलर है, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी है, तो कैन आई से दैट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, यस और नो, आई कैन से दिस राइट। हाँ तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी को मैंने ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी बता दिया, कर दिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ट्राइंगल वन पे, तो ट्राइंगल वन के हिसाब से मेरे बच्चों अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, तो आई कैन से दैट ए सी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी बाई बी सी चाहिए, ए बी बाई बी सी, अच्छा बी सी बाई ए बी है ठीक है, बी डी बाई ए बी चाहिए, अच्छा ए बी बाई बी डी। देखो ये दोनों को आप साथ में लो, ये दोनों को आप साथ में लो, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, है ना। मैंने क्या किया है बेटा, बी डी मैंने क्या किया है बेटा, मैं आई हैव टेकन दिस टू टुगेदर, राइट, दिस टू टुगेदर, वेरी गुड, वेरी गुड चरण, वेरी गुड। तो
तो यहां से मैं कह सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इनटू BD। तो पहला वाला जो प्रूव करना था ना वो हमने प्रूव कर दिया, राइट। अच्छा अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा तीसरा भी ऐसे ही काम करना है बेटा, दूसरे तीसरे में भी काम तो यही करना है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इनटू DC को मैं कैसे कह सकता हूं, आई कैन से दैट AC बाय BC इज इक्वल टू DC बाय AC, आई कैन से दिस, है ना। AC बाय BC, AC बाय BC इज इक्वल टू DC बाय AC, आई कैन से दिस, राइट। हां वेरी गुड चरण, वेरी गुड। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा चरण, राइट। इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट भी वही है, राइट। चलो बढ़िया, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये आ गए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मेरे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये 5 मार्क क्वेश्चन है, दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली एक घंटा बहुत कम पड़ता है, यू ग्रेट। यहां पे क्या बोला है, लेट ट्राइंगल एबीसी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a। अच्छा एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a, तो बना दे क्या हम यहां पे एबीसीडी, 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 ठीक है बना दिया हमने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइजेस, अच्छा वर्टाइजेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दो कंडीशन दिए, दो केसेस दिए। पहला केस हम पहले सॉल्व करेंगे, ए कोइंसाइड्स विद ओरिजिन, AP एंड AD आर अलोंग OX। अच्छा ए कोइंसाइड्स विद ओरिजिन, तो बेटा डू वन थिंग, आई विल नंबर दिस अगेन, इसका नाम हम फिर से देंगे, ठीक है। इसका नाम हम फिर से देते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द केस, राइट। पीयूष, हाँ पीयूष देखा मैंने, बच्चे मुझे बता रहे थे अभी, आई नो, पर पढ़ना तो है ना बेटा। चलो ए यहां पे लिख देता हूं, तो ये ओरिजिन हो गया, इफ दिस इज ओरिजिन, तो ए बी इज अलोंग ओ एक्स, तो ए बी ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड ए डी अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, तो ये सी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट तो सीधा 0-0 हो गया मेरे बच्चों, 0-0 हो गया, राइट। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं इसके ऊपर से ही आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं, है ना। अब मैं इसके ऊपर से आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं बच्चों, राइट। अब मैं इसके ऊपर से कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं, कोऑर्डिनेट्स। चलो अब यहां पे क्या बोला है, टू वे साइड से, इसका मतलब कि दिस इज टू वे एंड इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे बच्चों, बी इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आई कैन से इट इज 2a, 0, राइट। D is on y axis and this is also 2a, so I can say it is 0, 2a. And what about C? This is 2a and this is 2a. I leave it on you. क्या होगा ये? बताओ मेरे को क्या होगा? X axis और y axis दोनों के लिए 2a, 2a. हो गया? So we have first के लिए coordinates क्या हो गए? A का 0, 0. B का coordinate क्या है? 2a, 0. C का कोऑर्डिनेट क्या है? 2a, 2a. और D का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2a. डन, है ना। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हाँ एक्स वाई, यस बेटा चरण, सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन। अच्छा सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये एक मैं स्क्वायर बना देता हूँ एंड दूसरा कुछ कलर लेकर रेड लेता हूँ, मैं एक्सिस बना देता हूँ ऐसे, दिस इज ओ, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है सेंटर इज एट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू साइड्स ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। अच्छा ए बी एंड ए डी, तो मतलब ये ए बी है और ये ए डी है, ठीक है, समझ गए आप? हाँ कनिष्क, सब भाग गए, डजंट मैटर ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है, ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है और ये 2a है। तो मैं कह सकता हूं a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, a है, a कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया,
ए इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ए कॉमा माइनस ए, राइट। बी कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में है, सॉरी फोर्थ में है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, डी सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, तो कोऑर्डिनेट्स में यहां पे लिख दू ए इज माइनस ए कॉमा माइनस ए, बी इज ए कॉमा माइनस ए, सी इज ए कॉमा ए एंड डी इज माइनस ए कॉमा ए। क्लियर, क्लियर हमने कर दिया, राइट। हाँ कनिष्क, नो प्रॉब्लम। अच्छा फाइन, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज दैट इज बीइंग रन। ये सारे एग्जांपल्स में वापस से एक बार फिर से दूसरा लेक्चर लूंगा, उसमें मैं ये समझा दूंगा जो भी हमारे पेंडिंग पॉइंट्स है वो वाले, राइट, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया। अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सब्सक्रिप्शन गाइस, सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में बता दूं कि हर मंडे को बच्चों सबसे पहले तो हमारे बैचेस रन होती है, फुल सिलेबस बैचेस रन होती है, राइट। और अभी फिलहाल क्लास टेंथ के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है मैथ्स साइंस और एसएसटी का, 5 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। शुभम मैम, अथर्व सर और प्रणय सर एसएसटी साइंस और मैथमेटिक्स रेस्पेक्टिवली करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सीबीएसई क्लास टेंथ में अगर आप देखो तो पेपर सॉल्विंग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं सुरेश सर और विशाल सर, 5 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में, राइट। अभी लेट्स क्रैक एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया है मैथ्स के लिए फॉर क्लास टेंथ, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच जो अभी न्यू बैच में आए हैं क्लास टेंथ में, उनके लिए ये बैच है बेटा, 5 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक होगा। गुजेटी दिव्या मैम एंड इमरान अली सर ये दोनों मैथ्स करवाएंगे मंडे टू फ्राइडे, इनका 4 से 5 होगा और इनका 7 से 8 होगा, राइट। वैसे बच्चों हमारे और भी बहुत सारे बैचेस रन हो रहे हैं, तो डोंट वेट, जस्ट एनरोल, टेक द सब्सक्रिप्शन, एनरोल इन इट। सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दें तो बेटा 15,000 है फिलहाल हमारा जो चल रहा है कोर्स, उसमें बच्चा देखो मैं आपको बता दूं कि अगर क्लास टेंथ आप ले रहे हो, क्लास टेंथ ले रहे हो तो उसमें आपको 11-12 फ्री मिल रहा है, राइट। क्लास टेंथ ले रहे हो तो 11-12 आपको फ्री मिल रहा है, तो मतलब अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, मतलब एक बार के पैसे में 3 बार पढ़ोगे आप, है ना। तो अगर 15,000 का आप सब्सक्रिप्शन 1 साल का ले रहे हैं एंड इफ यू आर यूजिंग माई कोड MMLIFE तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो 1500 हो गया। आपके क्रेडिट पॉइंट्स के भी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट होते हैं, तो बेटा ये हो गया 12,000, है ना, 12,000 हो गया, 12,000 एक साल के लिए, लेकिन 10th के साथ 11-12 फ्री मिल रहा है, तो अल्टीमेटली 12,000 जो है वो 3 years के लिए है मेरे बच्चों, मतलब 1 year के लिए कितना हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दो, 4,000 हो गया, 4,000 रुपीज, तो बेटा 1 साल का 4,000 रुपये, मतलब मुझे बता सकते हो आप कि 1 महीने का कितना हुआ, 1 महीने का कितना हुआ, 250 के आसपास हो गया, 250 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 250 रुपीज, तो बेटा 250 रुपये में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, वो भी सब कुछ एक दो बार नहीं, आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा अनअकैडमी का, जिसपे आप 10th 11th 12th तीनों साल में आप फुल सिलेबस बैचेस अटेंड कर सकते हैं, सैम्पल पेपर्स करवाया जाएगा, वर्कशॉट रिविजन, क्रैश कोर्सेज हैं और सारे सब्जेक्ट्स के, 1, 2, 3, 4 नहीं, सारे सब्जेक्ट्स, राइट, इजंट इट वंडरफुल। वैसे ही आइकॉनिक के अंदर भी बच्चों देखो, आइकॉनिक के अंदर भी विल बी गेटिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, इसमें भी बेटा काम वही हो रहा है 28,000 में। आइकॉनिक में एक्चुअली होता है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, उसी के साथ आपको डेली टू आवर्स डेली डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा बेटा, राइट। और देर आर मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, मेंटर मिला, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, स्टडी प्लानर दिया जाएगा एंड मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। सो डोंट वेट मोर गाइस, डोंट वेट मोर, जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन एंड गेट द बेनिफिट्स, ओके, ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, सी यू सून गाइस। जो बाकी टॉपिक रह गया है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल का, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है, आई विल टेक इट एंड आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट इन द अदर पोर्शंस, ओके, बाय गाइस।